Now when it comes to self-study, the major difficulty is that management of self-study, the time management of self-study. You don't know ki kya padhna hai, kahan se padhna hai, kaise padhna hai, right? So I'm pretty sure aap yahan pe kafi logon ne apna time manage karne ki koshish ki hogi, kuch log pass hue honge, kuch log fail hue honge. Main apne tarike batata hu main kaise karta tha. मुझे बस ये कहना है कि एज अ स्टूडेंट मतलब हमारे को जो चीज़ें गवर्न कर सकती हैं वो तीन होती हैं मेरे हिसाब से, मतलब जो मुझे पता है. एक हैं आपके पेरेंट्स, दूसरे हैं आपके फ्रेंड्स और तीसरे हैं आप खुद. ठीक है, तो अब आप इसमें देखें कि इन तीनों चीज़ों का अगर सही बैलेंस होगा तो आप लाइफ में बाकी लोगों से काफ़ी आगे तक पहुँच जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पैरेटो प्रिंसिपल कॉल्ड 80-20 रूल विच सेज कि आपके 80% एफर्ट्स, 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट्स या 20% गोल कम्प्लीशन से आते हैं. तो यू ओनली हैव टू फोकस ऑन टॉप 20% ऑफ योर गोल्स. सो आई विल टेल यू अ नीट ट्रिक. ये करिए आप कि आप अपने सारे टास्क एक शीट में लिख लीजिए एंड देन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. तो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे नीचे लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड देन पिक ओनली द टॉप 20% विच इज लेस देन लाइक 5 to 6 गोल्स. कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है. अब इस समय यहाँ पर किशोर बैठे हुए हैं, जो बच्चे प्राइमरी 8th लेवल से ऊपर पहुँच गए हैं, किशोरावस्था है. अनेकों नई नई घटनाएं आसपास हो रही हैं और अगर माँ बाप का सहयोग नहीं हुआ, माता पिता ने सहयोग नहीं दिया तो उसके दुष्परिणाम बच्चे अपने मन में इतने प्रश्न लिए हैं जिसका उत्तर नहीं मिलने पर भटकना बहुत ही स्वाभाविक है. अभिभावक और शिक्षक के तौर पर अपने समय में हमारा दायरा बहुत ही सीमित था, लेकिन अब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके कारण बच्चे उसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं. तो बच्चों, ये समझने की बात है कि किसी भी वस्तु के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक. हम अगर ध्यान से सोचें तो अगर ऊंचाई पे चढ़ना है तो बहुत बल लगाना पड़ेगा और नीचे उतरना है तो अपने आप ही ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे उतर आएंगे. इसका मतलब है अगर सतत प्रयास करेंगे लक्ष्य की ओर तो कठिन परिश्रम के द्वारा ही ऊपर चढ़ सकते हैं. जितनी मनोवृत्तियाँ आसपास में नकारात्मकता दिख रही है उन सबसे अपने बच्चों को बचाते हुए हम बच्चों को लक्ष्य तक ले जाएं, इसी प्रेरणा के साथ इस तरीके का ये एक कार्यक्रम आज आयोजित आप लोगों के लिए किया जा रहा है. आपसे हम सभी को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं. आपको अपने कल का भविष्य अगर अच्छा बनाना है तो आज उस पर कार्य करना पड़ेगा. जीवन में अनेक कठोर अनुभव और धूप छाँव आते रहेंगे पर गलतियों को बार बार दोहराना, हम बड़े हैं, अभिभावक हैं, हमने जो गलतियां करी हैं वो बच्चों तक ना पहुंचे, इसलिए बच्चों के स्तर पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना होगा. और इसी प्रेरणा के साथ आज ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखा गया है और एक प्रयोगशाला के रूप में ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज को लिया है डॉक्टर साहब ने. ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार युक्त बनाएं और ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी उनकी मदद करें. नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट हियर यू मस्ट बी फाइंडिंग a young doctor from Canada. So let's welcome him with a big round of applause. And he's such a wonderful, pure and pious type of youth that it never occurs to us that he's not from India. So that's the very, very important part for him. This is his fourth visit. And after the first visit, he came as a volunteer. And then after that, he visits us as part of our family. So this is such a wonderful thing for us. And when I was talking to him, and that's how he made this program, so I was thinking that what is the situation in the Western countries about
this problem of whatever we are facing, the changes in the lifestyle. The lifestyle is leading to life distress, then life diseases, and unfortunately there are many deaths which are also called as the lifestyle deaths. So with all these words, and Aaron is working as a doctor in the emergency wards, so he must be having a lot of experiences of the people who are in pain and suffering. So what is more important for us and for you and for these youth is that many of them would be wanting to be a doctor. Kitne bacche hain jo abhi doctor banna chahte hain, zara haath uthao bhai, kahan par ho? Kitne bacche hain, haath uthaiye, aap ya aapke bacche yahan baithe ho? Wonderful. So these all children want to be a doctor. So go ahead. And as per our decision, we have to be focused and on the time. Namaskar. Hello, how are you? Are you good? Yes. I'm learning Hindi. Meri Hindi bahut buri hai. So you help me, okay? Yes? Yes. Thank you. Thank you for having me. They said when I landed in Delhi 2 days ago, where do you go? I said, Kanpur, of course. Of course, Kanpur. And then I was on the train. They said, you go to Lucknow? I said, no, I go to Kanpur. Meri dusra ghar Kanpur hai. Yeah, here. And why is this my second home, my second dusra palivar here? Look around, look around. Yes, you're here for health, yes? Yes, you're here for health. We are so distracted. Imagine the Ganges River, it's flowing by. We're all in the river, yes? We're flowing, we're asleep. We have our phones, social media, we have our snacks, yes? We watch our shows, we're just floating. We're not awake. Are we here right now? Are we here? Yes. Could we stand up? Could we stand, everyone, if possible? Stand, just for a moment. Are we here right now? Yes. These legs, this is family, this is health, this is the body, the mind. These hold us up. Are we awake? Louder, are we awake now? When do we make decisions about our health? Is it now or is it later? Now. Now only. We can sit. I work in the emergency. You see, I see people, they come in, they're dying, yes? Later, they're dying. What's important, is it now or later? Now. Now. We make our decisions about our health, what we eat, our family, what we do. I said, where do I go? I come to Kanpur, yes? Yes, yes. So this is where I am. I know we don't have much time. I just want to say, we focus here. Now, we say, do we eat the junk food? No. Do we spend time with our second family? Do we make a global family with everyone? Yes, yes. Namaskar. अब मैं मंच पर यूथ के रूप में आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अविनाश दुबे जी को आमंत्रित करती हूं 2 मिनट में अपनी बात रखने के लिए निवेदन करूंगी डॉक्टर अविनाश दुबे जी बट मुझे बस ये कहना है कि एज अ स्टूडेंट मतलब हमारे को जो चीज़ें गवर्न कर सकती हैं वो 3 होती हैं मेरे हिसाब से मतलब जो मुझे पता है एक हैं आपके पेरेंट्स दूसरे हैं आपके फ्रेंड्स और तीसरे हैं आप खुद ठीक है तो अब आप इसमें देखें कि इन 3 चीज़ों का अगर सही बैलेंस होगा तो आप लाइफ में बाकी लोगों से काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे मतलब इन क्योंकि और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको पेरेंट्स का वो एडिड सपोर्ट मिलता है तो प्लीज़ पेरेंट्स को अपने विलेन मत बनाइएगा मतलब काफ़ी लोग ऐसी गलती कर लेते हैं लाइक इसमें तो एक बात तो ये याद रखिए कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं फ्रेंड से चीज़ें शेयर करते हैं तो अपने पेरेंट्स को भी वैसे ही देखिए प्लीज़ ठीक है और जैसे मैं मेरे मम्मी पापा मतलब काफ़ी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं उनकी बात सुनता हूँ तो वो मेरी बात सुनते हैं
तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसी रिलेशन इस्टेब्लिश करें अपने पेरेंट्स के साथ. एक बात तो ये हो गई, ठीक है. दूसरी बात, आप अपने फ्रेंड्स चूज़ करें खुद सोच समझ के, क्योंकि आप जिसको कहते हैं ना सत्संग, तो जैसा आपका संगति होगा आप कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाएंगे. तो दूसरा पॉइंट है कि फ्रेंड्स को थोड़ा सोच समझ के चूज़ करिए. एंड लास्ट पॉइंट है, आप खुद पे कैसे काम कर सकते हैं. तो आप ये समझिए कि आपको क्या चाहिए, मतलब कौन, कोई पेरेंट क्या कह रहा है या कोई फ्रेंड क्या कह रहा है उस पर मत जाइए. खुद सोचिए क्या चाहिए लाइफ में, मतलब कहाँ जाना है आगे से 10 साल 5 साल जो भी है, उस पर वर्क करने के लिए हैबिट्स बनाइए. मतलब हैबिट फॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मतलब मैं अपना छोटे भाई का एग्जांपल लूँगा. मतलब मैं पहले दिन में एक ही बार ब्रश करता था, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये 2 बार ब्रश करता था मेरा छोटा भाई. तो इसने बोला कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम 2 बार ब्रश करके दिखाओ मुझे, मतलब रोज़. तो मैंने इसको एज अ वो ही ले लिया कि चैलेंज, कि हाँ भाई देखो करके दिखाता हूँ तुम्हें. एंड तो उसके बाद फिर मैंने किया, तो आज मैं लाइक 2 बार, बहुत छोटी सी चीज़ है दिन में 2 बार ब्रश करना, बट अब वो मेरी हैबिट बन गई. और एक पॉइंट ऐसा आया था कि क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको उस पॉइंट पे रोक लें और बोले कि नहीं भाई करना है, ठीक है, तो आप वो जैसे करते रहेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सोचना भी नहीं पड़ेगा. मतलब ब्रश करना है तो वो नॉर्मल सी चीज़ है. तो हैबिट फॉर्मेशन आपके खुद के लिए सोच समझ के ढंग की हैबिट्स बनाइए, वो आपको काफ़ी आगे ले जाएंगी. तो ये बस एक ब्रीफ में बात थी. मैं समराइज कर लेता हूँ जल्दी से. पहला, आप खुद पे काम करिए, कैसे, हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू. दूसरा, पेरेंट्स को विलन मत समझिए, वो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं. आपको रियलाइज़ नहीं होगा अभी स्टेज पे, बट मतलब इवेंचुअली पता चलेगा. तो पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करिए, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन करिए, और फ्रेंड्स को ढंग से चूज़ करिए. जो भी आपके साथ सोशल सर्कल है वो आपको काफ़ी आगे भी ले जा सकता है, आपको नीचे भी खींच सकता है. तो बस यही बात थी. थैंक यू सो मच. तो ये सब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े नाम, वो कुछ नहीं, पर आपके बीच में ही से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ और डॉक्टर बन गया. तो ऐसे ही अब मैं अनुरोध करूंगा वैभव श्रीवास्तव से, जो जिनका 12th का रिज़ल्ट बाद में आया और IIT दिल्ली में इनका सिलेक्शन हो गया है, वो रिज़ल्ट पहले आ गया. तो ऐसे ही इन्होंने भी कुछ सपने देखे होंगे और इनका बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी लग गया. But that's not the end. Probably that's the beginning of your career and also your understanding about the life. तो आप यहाँ पर बैठे ज़्यादातर बच्चे जो हैं या तो बायोलॉजी ले रखी होगी या मैथ्स ले रखी होगी. तो बट सबको पढ़ने की पद्धति की ज़रूरत पड़ती है. तो आपने जो भी पढ़ाई करी, आपके माता पिता आए हैं यहाँ पर, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए. माता पिता जी कहाँ पर हैं आप? वेरी गुड, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको. और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं. प्लीज़ गो अहेड. थैंक यू सर फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन. तो जैसे सर ने कहा, मैंने अपनी लाइफ का मेजर पोर्शन पढ़ाई पे स्पेंड किया है, तो मैं अपनी पढ़ाई के कुछ एक्सपीरियंस और टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा. तो आप लोग काफ़ी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ JEE की, कुछ नीट की, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले होंगे. तो पढ़ाई को मैं 2 कॉम्पोनेंट्स में बांटता हूँ. एक कॉम्पोनेंट जो आपकी क्लास में आपको कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है, वो कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट कॉम्पोनेंट हो गया. दूसरा कॉम्पोनेंट वेरिएबल कॉम्पोनेंट हो गया, जो कि सेल्फ स्टडी है. तो लेट मी लॉजिकली टेल यू वाई सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट. दीज एग्ज़ाम्स आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, राइट? तो इनमें ये मैटर नहीं करता कि आपका स्कोर कितना है, ये मैटर करता है कि आप कितने लोगों से आगे हैं. तो जो कांस्टेंट पोर्शन है उस पर तो सब लोग बराबर फोकस कर सकते हैं, हज़ारों लोग बराबर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सबको सेम मटेरियल दिया जा रहा है. हाउ यू कैन बी अहेड ऑफ दो स्टूडेंट्स इज बाई बींग इम्पैक्टफुल इन योर वेरिएबल पोर्शन, दैट इज सेल्फ स्टडी. सो दैट्स वाई सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी, द मेजर डिफिकल्टी इज दैट मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, द टाइम मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी. यू डोंट नो कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट?
सो आई एम प्रीटी श्योर आप यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश की होगी, कुछ लोग पास हुए होंगे, कुछ लोग फेल हुए होंगे. मैं अपने तरीके बताता हूँ मैं कैसे करता था. तो टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है गोल सेटिंग, गोल ओरिएंटेशन. और गोल सेटिंग में आता है कि आप कितने गोल सेट करें, कैसे गोल सेट करें और कैसे गोल्स कंप्लीट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पैरेटो प्रिंसिपल कॉल्ड 80-20 रूल विच सेज कि आपके 80% एफर्ट्स, 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट्स या 20% गोल कंप्लीशन से आते हैं. तो यू ओनली हैव टू फोकस ऑन टॉप 20% ऑफ योर गोल्स. सो आई विल टेल यू अ नीट ट्रिक. ये करिए आप कि आप अपने सारे टास्क एक शीट में लिख लीजिए एंड देन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. तो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे नीचे लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड देन पिक ओनली द टॉप 20% विच इज़ लेस देन लाइक 5 to 6 गोल्स. और एक टाइम पे सिर्फ 5 to 6 गोल्स पे फोकस करिए. एक बार वो खत्म हो जाए फिर से आप रीसेट करिए लिस्ट को, ऐड न्यू टास्क, रिमूव ओल्ड टास्क और फिर से 5 to 6 गोल्स पे फोकस करिए. दिस इज द नंबर ऑफ गोल्स दैट यू टू फोकस ऑन. अब गोल्स आपको कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक दैट लिस्ट. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज मेक माइक्रो गोल्स, डू नॉट मेक मैक्रो गोल्स. सो माइक्रो गोल्स मीन्स, माइक्रो गोल्स मीन्स दैट आई स्टडी फिजिक्स टुडे, दैट्स अ माइक्रो गोल. डू नॉट डू दैट. मेक माइक्रो गोल्स. I'll do 10 questions of kinematics from SC Verma in 2 hours. So two components are important here. कि आप स्पेसिफिक हो रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चन किस बुक से लगाएंगे. सेकेंड कॉम्पोनेंट इज डेड लाइन, कि आप 2 घंटे में पूरे करेंगे वो. So when you take these two components and bundle them together, then it becomes a micro goal, and that's how you make your goals. So once you create your list, you sort out top 20%, you set the timetable and you set the deadline and you create a micro goal, then you have to complete it. Okay, so this will already increase your productivity by many folds. So aapko bas apne goals create karne hain, and make sure that while increasing your productivity, you are also always fresh. So you give your time to sleep, you give your time to your friends, to your family, and you are always sitting at studying with your fresh mind. So ek bar aap, to summarize, just make sure that you're always with a fresh mind, you are creating your goals, you are following your goals, you are creating micro goals, and doing that will all, there is no exam that is difficult for you if you follow all this process. Thank you. Keep on standing. तो जैसे देखा आपने, जब साइंटिफिक डेलिब्रेशंस होते हैं तो टू द पॉइंट्स भी होते हैं. और मैं इस बच्चे से काफ़ी दिन से मेरी मुलाकात हुई है और एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ कि इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन ही वाज मोर देन 1 month इन ICU ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ कोरोना एंड ही स्ट्रगल्ड, ही सर्वाइव्ड and he succeeded. So our blessings to you for your future career. Keep on coming to, you must be coming to meet your parents, but next time we'll ask you more things to do. Thank you so much. Blessings. Okay, bye. Thank you.